नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भाजपाइयों के मन में सवाल होना चाहिए था, प्रभारी आए क्या लाए, पर सवाल नहीं बेचैनी है, क्योंकि लगभग 30 लोगों को दायित्व बांटे जा सकते हैं। पार्टी ऐसे वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सरकार में एडजस्ट करने के पक्ष में है जिन्होंने मेहनत की है, लेकिन ऐसे लोग जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं उन्हें शक्ति सुख से वंचित रहना होगा। इशारा तो आप समझ ही रहे होंगे कि कौन कौन। तो आज चर्चा इसी विषय पर, क्योंकि प्रदेश आए प्रभारी, दल में कलह भारी। भाजपा आम चुनावों के मद्देनजर दायित्व को जल्द से जल्द बांटने के पक्ष में है, लेकिन जारी होने वाली लिस्ट में कौन एडजस्ट होगा कौन नहीं, ये बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ही कई सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों ने कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर भीतरघात का आरोप लगाया था। इनमें हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, यमुनोत्री, खटीमा सहित कई सीटें शामिल हैं। दूसरी तरफ आजकल बयानवीर बने पूर्व मुख्यमंत्री को भी इस रेडियस में माना जा रहा है। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में तीन मेहमान हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। साथ में हमारे साथ राजेश चमोली जी हैं। राजेश चमोली जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश चमोली जी, हमेशा जुड़ते रहते हैं हमारे साथ में। बहुत स्वागत राजेश जी आपका। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जो हमेशा जुड़ते हैं, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, बहुत स्वागत। माफी के साथ, हो सकता है अंत में आपकी आवश्यकता पड़े, और आप जिस तरीके से जनता को दृष्टि देने का काम करते हैं, आपको पसंद बहुत लोग करते हैं राजेंद्र जी, मैं ये आपको खास बात बता दूं। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से ओपन करेंगे। वीरेंद्र बिष्ट जी जुड़े हुए हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आपके प्रभारी आए प्रदेश के अंदर, दुष्यंत गौतम जी, और उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान के बाद बहुत सारी अटकलें शुरू हो गई हैं कि कौन इस रेडियस में आने वाला है, कौन बचने वाला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम और इसके पहले महेंद्र कौशिक का नाम सबसे आगे चल रहा है, मदन कौशिक का नाम, माफ कीजिएगा। देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है जो अभी अपने राज्य के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी ने स्पष्ट किया है जी। अपने उन कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता निष्ठावान है और जिन्होंने मेहनत की है, ऐसे वो सभी कार्यकर्ता, उनके बारे में पार्टी का अच्छा सोचना है जी। उनको पार्टी आगे भविष्य में विभिन्न पदों पर भी आसीन करेगी, और जहां तक दायित्व का प्रश्न है, दायित्व के बारे में उन पर विचार किया जाएगा जी। ऐसे लोग जो चिन्हित गए किए गए हैं, हमने क्योंकि हर विधानसभा में चुनाव के बाद एक समीक्षा करी थी कि जहां हम चुनाव हारे हैं जिन विधानसभाओं में, और जहां हम जीते भी हैं ऐसी सीटों पर क्या किसी ने पार्टी के खिलाफ काम किया है जी। तो ऐसे विषय भी सामने आए हैं, वो सब अनुशासन समिति के पास वो नाम गए हुए हैं जी। तो ऐसे जो भी हमारे कार्यकर्ता नेता होंगे उनके बारे में भी पार्टी विचार करेगी। उन्होंने स्पष्ट इस विषय पर कह दिया है, तो कोई पार्टी में ना कोई खींचतान है, ना पार्टी में कोई इस तरीके का कोई चर्चा है। ये तो पार्टी की विचारधारा के अंतर्गत काम हो रहा है। जो लोग काम करने वाले हैं उनको निश्चित रूप से प्रोत्साहित पार्टी करती है, और उसी के अंतर्गत। लेकिन वीरेंद्र जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मदन कौशिक और त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लेने से बच रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पर हो, अगर कहीं इस तरीके का विषय आया है तो पार्टी के संज्ञान में वो विषय है, पार्टी की हमारी जो अनुशासन समिति है उसके संज्ञान में ये विषय होगा, और पार्टी की अनुशासन समिति भी इसके बारे में विचार करेगी। और ऐसा हमारे प्रभारी जी ने स्पष्ट रूप से बता ही दिया है कैसे उन सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी विचार कर रही है जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, मेहनत करी है, और दोबारा आज सरकार आई है, ऐसे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के बदौलत आई है। हमारा तो बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता भी सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है, और विभिन्न दायित्वों में, विभिन्न मोर्चों में काम करने वाले कार्यकर्ता भी सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है। पार्टी जिसके विषय में निर्णय लेगी वो सर्वमान्य निर्णय होता है। ठीक है, पार्टी जिसके विषय में निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होता है। राजेश चमोली जी जुड़े हुए हमारे साथ में। राजेश जी, बीजेपी एक बार फिर से आपसे एक कदम आगे है, लेकिन हालांकि खुशी होगी कांग्रेस को कि कई दिग्गजों से पाला नहीं पड़ेगा इस बयान के बाद।
बीजेपी का हर पार्टी का अपना इंटरनल मामला होता है और जो पार्टी के खिलाफ कार्य करता है निश्चित रूप से अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए, वो सभी पार्टियों में होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है। और लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से त्रिवेंद्र रावत जी, क्योंकि आपने डिबेट के निश्चित रूप से त्रिवेंद्र रावत जी जिस प्रकार से धामी जी के खिलाफ लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं, जिस प्रकार जैसे अभी उन्होंने उत्तराखंड पे जो युवाओं पे जो लाठीचार्ज हुआ और उन युवाओं से और उत्तराखंड के उनके परिजनों से माफी मांगी कि वो माफी मांगते हैं जो भी हुआ गलत हुआ है, लेकिन बीजेपी का ये ट्रेंड है वो सुर्खियों में रहने के लिए और राजनीति को जो मेन मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए हमेशा काम करती है। आप देखिए, अगर त्रिवेंद्र रावत जी को अगर निश्चित रूप से अगर माफी मांगनी चाहिए थी तो अपने 4 साल में जो आपने कृत्य उससे उन 4 सालों में किया उसके लिए भी त्रिवेंद्र रावत जी को माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी के समय पे जो सबसे बड़ा लाठीचार्ज हमारी मातृशक्ति पर, जिन मातृशक्ति की बदौलती उत्तराखंड हमें मिला, उन पर जो लाठीचार्ज हो उस कृत्य के लिए भी त्रिवेंद्र रावत जी को माफी मांगनी चाहिए थी। त्रिवेंद्र रावत जी को यह बताना चाहिए था कि 4 साल जो आपने 2 साल कोरोना में आप बिल्कुल सीएम हाउस से बाहर नहीं निकले और बाकी 2 साल में आपने जो राज्य में जो भ्रष्टाचार आपके समय बैठा हाकम सिंह जैसा नेता पनपा, उसको जेल के बाद से बाहर उसको लाया गया और जो भर्ती घोटाले हुए, आपके कार्यकाल में 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में दिखाया गया कि हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में राज्य के रोजगार के लिए किया, उसके लिए राज्य के खजाने से आपने 100 करोड़ रुपए खर्च किए, वो 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद राज्य को कितना लाभ मिला, हमारे युवाओं को हमारी बहनों को कितना रोजगार मिला, वो बताने की आवश्यकता थी त्रिवेंद्र रावत जी को कि मैंने इन 4 सालों में ये कार्य किया। त्रिवेंद्र रावत जी को ये बताने की आवश्यकता थी कि जो भ्रष्टाचार आपके कार्यकाल से शुरू हुआ, जो लगभग 20 से 22 भर्ती घोटाले आपकी जो सरकार में जो लगातार बढ़ रहे हैं, उसको आपको आवाज उठाने की आवश्यकता है कि आप लगातार भ्रष्टाचार में कुछ नहीं बोल रहे, आपको बोलना चाहिए। आप माफी किस बात में, आप इससे माफी मांग रहे कि धामी जी के टाइम पर लाठीचार्ज हुआ, आपको माफी तो अपने कार्यकाल के लिए भी मांग, लाठीचार्ज हुआ महिलाओं पर, आपने गैरसैंण में कहा कि हम 25,000 करोड़ रुपए का बजट, सिंह रावत के खिलाफ तो पार्टी कार्रवाई करेगी, लेकिन मेरा सवाल राजेश चिमोली जी आपसे ये था कि आप लोगों को थोड़ा तो इस बात की तसल्ली हो रही होगी कि पुरोधाओं से पाला नहीं पड़ेगा, फिर चाहे वो मदन कौशिक हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर अन्य कई मंत्री हो, अरे कई कार्यकर्ता हो, अन्य कई नेता हो, उनको क्योंकि अब शक्ति से दूर रखा जाएगा और आगामी चुनावों में भी उनकी भूमिका लगभग नगण्य ही रहने वाली है, सीधे तौर पर कह दिया यहाँ पर दुष्यंत गौतम ने। पूजा जी देखिए, अगर बीजेपी में अगर ये लोग अगर दिग्गज होते, इनके नाम पे अगर उत्तराखंड में अगर वोट पड़ता तो निश्चित रूप से अपने नाम पे मांगते वोट। आप देखिए, पूरी कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी की 70 के 70 विधानसभा में बीजेपी ने सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगा है और मोदी के नाम पे प्रचार किया। कोई एक ऐसा विधायक बता दीजिए जिसने कहा हो कि मैंने इस राज्य में ये विकास किया, मैंने इसे रोजगार दिए, मैंने इस महंगाई कम किया और आप मेरे नाम पे वोट दिए। पूरा वोट जो पड़ा है वो माननीय मोदी जी के नाम पे पड़ा है। अब आप कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी ने अगर बहुत अच्छे कार्य किए होते तो निश्चित रूप से 5 साल पूरे करते और आज भी मुख्यमंत्री होते, लेकिन क्योंकि उनकी जो जो राजनीति थी, जो उन्होंने राज्य में बेरोजगारी का ठप्पा मतलब 5% से लेकर 23% बेरोजगारी पहुंचाकर जो राज्य पे एक बेरोजगारी का कलंक लगाया, उसका उनको भुगतान करना पड़ता है। कोई बड़ा नेता नहीं है, बात है मदन कौशिक जी की। मदन कौशिक जी पे स्वयं के बीजेपी के आरोप के 10 विधायकों ने आरोप लगाया कि हमको हराने का काम मदन कौशिक जी ने किया, उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया। तो देखिए, हम पे इस चीज का फर्क ही पड़ेगा कि कांग्रेस को ये दिग्गज से, बात यह है कि अगर बीजेपी को अगर एक्शन लेना है तो बीजेपी सबसे पहले एक्शन ले राज्य के सहकारिता मंत्री पर, जिसने 428 नौकरियों को बेचने का काम किया, युवाओं को भविष्य को बर्बाद करने का काम किया, जिसपे बीजेपी स्वयं के विधायक और उस टाइम के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री यशोधरा नंदी ने और सुरेश राठौर जी ने आरोप लगाया कि 10 से 15 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही, उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है बीजेपी को। बीजेपी को अगर कार्रवाई के लिए प्रेमचंद अग्रवाल जी पे कार्रवाई की, जहां 72 लोगों को अनैतिक तरीके से वित्त स्वीकृति दिलाकर उसको अनैतिक तरीके से उनकी भर्ती कराई, आपने कैसे उन लोगों से पैसे लिए आज उनको भारत का रास्ता दिखा दिया, मतलब आदमी लुटा कौन, राज्य का युवा लुटा, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पर जिनके एक पर्सनल सेक्रेटरी, एक विभागाध्यक्ष का पीडब्ल्यूडी का हेड नियुक्त करता है उनकी, और 6 महीने तक मतलब फर्जी साइन से, और 6 महीने तक मंत्री जी को पता ही नहीं लगता कि मैंने साइन के बेस पे एक अधिकारी बड़ा नियुक्त हो गया राज्य का। आप सोचिए, रेखा आर्य जी पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आंगनबाड़ी के लिए स्मार्टफोन और साड़ियों में भ्रष्टाचार किया, ये पूरा राज्य जानता है। अगर कार्रवाई करनी है तो आप गणेश जोशी जी भी कीजिए, जो आए दिन ऊटपटांग बयानों के साथ साथ जिन पे जिनके उद्यान विभाग आरोप लगाया, लोग लगातार सड़कों पर धरनारत हैं, शिक्षा मंत्री के खिलाफ कह रहे हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी नर्सिंग डिपार्टमेंट में एक महिला ने खुलेआम वीडियो, विश्व भी जानते हैं, खुलेआम एक वीडियो चला मीडिया में कि 3 करोड़ रुपए एएनएम ने इकट्ठा करके उनको दिए हैं नौकरी देने के लिए कि भाई हमें नौकरी दीजिए। तो इस राज्य में जब भ्रष्टाचार चरम पे है
तो मेरा मानना है कि कार्रवाई का सरकार को नहीं, तो इन लोगों पर कार्रवाई करे तब जाके लगेगा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। लेकिन खुलेआम लूट चल रही है, खुलेआम पूरे प्रदेश को खनन से, हर प्रकार से, कमीशनखोरी से, नौकरियों से, बेचने से, हर प्रकार से इस राज्य को बीजेपी के सरकार के। तो राजेश जी मौली क्या मानते, राजेश जी आप क्या मानते हैं, राजेश जी आप क्या मानते हैं कि धामी जी का होल्ड नहीं है अपने मंत्रियों पर? कहाँ है आप बताइए। मैं अभी एक इससे पूर्व में एक डिबेट में था जिसमें बताया गया कि 65,000 करोड़ के बजट पूर्व 2022-23 में लागू हुआ और जिसमें राज्य के महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है वो 25 से 30% है बजट भी अभी तक खर्च नहीं कर पाए। एक महीना रह गया, आपने पीडब्ल्यूडी में 2940 करोड़ में मात्र 40% का बजट खर्च किया इस राज्य का। आप सोचिए सड़कों के क्या हालात है, मतलब जो आप ठीक है वीरेंद्र जी के पास में जाऊंगी। वीरेंद्र जी, धामी जी का होल्ड नहीं रहा अपने मंत्रियों पर, ये कहना है राजेश चमोली जी का। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि धामी जी को अभी और लगाम कसने की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से दुष्यंत गौतम ने उनके पक्ष में बयान दिया और देर शाम मुख्यमंत्री से मुलाकात भी उनकी हुई और मुलाकात के बाद ये हुआ कि लिस्ट को वापस से चर्चित किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, विस्तार से विमर्श होगा, उसके बाद ही नाम फाइनल होगा, तो क्या दुष्यंत गौतम ने कहीं ना कहीं इस बात का मैसेज देने की कोशिश करी है कि धामी जी सर्वे सर्वा है, उनकी लाइन को फॉलो करना पड़ेगा सबको? देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी आरोप है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, कांग्रेस को अपने नेताओं की जो दलगत राजनीति है, जो गुटबाजी है, उसको देखना चाहिए। कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर कहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में लोगों ने टीवी पे, रेडियो में, अखबारों में इनके मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार करते हुए देखा है, भ्रष्टाचार पर बात करते हुए देखा और सुना है। जी, इनके कार्य में, इनके कार्यकाल में बेरोजगारों पर, युवाओं पर, कर्मचारियों पर विधायक आरोप किया गया, जेल में डाला गया, मंत्री पे आपके विधायक बयान दे रही है। आपको हमारी सरकार से नाराजगी हो रही है, प्रदेश में देश में तत्कालीन लंबा अध्यक्ष रहे हमारे स्वयं की वर्तमान के अध्यक्ष का समाप्त होने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ी है। हम नहीं करें, हमने लोगों का जेल में डालने का काम किया है। तमाम लोग पार्टी के बीजेपी का मन हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो हाथ है वो बीजेपी का एक मंडल अध्यक्ष का कांग्रेस के हाथ है और दयालु के साथ है। कांग्रेस के हाथ में जो अपना प्रमुख बनाकर आपने निकल करने वाला ठीक है, ठीक है, कांग्रेसियों का हाथ किसके साथ है वो कांग्रेस ही तय करेगी। वीरेंद्र जी सवाल मेरा है आपसे, वीरेंद्र जी सवाल समझिए, वीरेंद्र जी सवाल है, कुछ सीटों के नाम है मेरे पास, वीरेंद्र जी कुछ सीटों के नाम है और किसी तरह की जानकारी है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको स्टैंप मार्क कीजिए। कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा नाम लिस्ट किए गए हैं जिनमें 200 से ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता मिले हैं, लेकिन बंटवारा 30 में होगा, 30 लोगों की लिस्ट सामने आ सकती है ये कहा जा रहा है, तो बाकी बचे 170 उनको संतुष्ट कैसे कीजिएगा, जबकि आपकी जो लिस्ट है वो कह रही है कि 200 लोग ऐसे हैं जो कि सीधे तौर पर शक्ति के दावेदार हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दायित्ववान कार्यकर्ता है, सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता हर दायित्व के लिए उसका जो है नेतृत्व करने की उसके अंदर क्षमता है। ये पार्टी को डिसाइड करना है कि दायित्व किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितने लोगों को देना है, क्या संख्या देनी है। हमारे यहाँ कभी भी दायित्व को लेकर कोई छटपटाहट नहीं रहती है। कार्यकर्ता शांत भाव से, धैर्य भाव से अपना काम करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से ऐसा तो नहीं लगता वीरेंद्र जी, वो जिस तरीके से पूरी सियासत को दो धड़े में बांटने का काम कर रहे हैं, उनके बयान से ऐसा लगता तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई किसी को बांटने का काम नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। हम कार्यकर्ता निर्माण करने वाले दल के लोग हैं, हम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सबका साथ, सबका सहयोग और सबका विकास को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और सबके प्रयास से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश का शासन चला रहे हैं। हमारे अंदर कोई भी किसी तरीके की किसी कार्यकर्ता में किसी पद को लेकर कोई ना तो लालसा है ना कोई छटपटाहट है। ये पार्टी का नेतृत्व तो तय करता है किसको क्या दायित्व देना है, कब किसको दायित्व देना है। हाँ, जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया होगा, जिनका अगर पार्टी का में ऐसा विषय आया होगा कि इन लोगों ने दायित्व चुनाव के दौरान पार्टी के पक्ष में काम नहीं किया, पार्टी के खिलाफ काम किया, दूसरे दलों में मिलकर काम किया, ऐसे लोगों को चिन्हित करना भी पार्टी का काम है। और हमारे जो प्रभारी है राज्य के दुष्यंत गौतम जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बारे में कहा भी है कि उन्हीं कार्यकर्ताओं को हम उन्हीं के बारे में विषय में सोच रहे हैं जिनके मेहनत से सरकार आई है, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है और जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है।
वीरेंद्र जी थोड़ा सा ये बयान आपको अजीब नहीं लग रहा है? वीरेंद्र जी थोड़ा सा ये बयान आपको अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले करण महारा कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी और आरएसएस ने अपने स्लीपिंग सेल्स छोड़ रखे हैं, जो कि समय आने पर उनके लिए एक्टिवेट हो जाते हैं और काम करते हैं, और आज आप कह रहे हैं कि चुनावों के समय में ऐसे लोग जो दूसरे दलों के लिए काम करते हैं, मेरे ख्याल से आपका इशारा कांग्रेस की तरफ ही है, दूसरे दलों के लिए काम करते हैं, तो आप करण महारा की भाषा नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हम किसी की भाषा नहीं कह रहे हैं। कि हमारे जो प्रभारी जी दुष्यंत गौतम जी हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम ऐसे कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित कर रहे हैं कि जिन्होंने चुनाव के समय पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में काम न किया हो और जिनके खिलाफ आरोप है, ऐसे लोगों को दायित्व नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस विषय को ठीक कहा है। ठीक है, ऐसे लोगों को दायित्व नहीं दिए जाएंगे। राजेश जी, बीजेपी भी आप ही के जैसे आरोप लगा रही है कि उनके कुछ नेता आपके साथ मिले हुए रहे हैं पिछले चुनावों के दौरान। यही वजह थी कि जिन सीटों का जिक्र मैंने किया, हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, यमुनोत्री, खटीमा, किच्चा, काशीपुर और नानकमत्ता, ये कुछ सीटें हैं जिनमें से काशीपुर छोड़ करके बीजेपी सारी हार गई। इसमें रोल वो आपका भी मानते हैं? नहीं देखिए, हमारा रोल तो मतलब ये इसमें ये कांग्रेस का रोल के बताने की आवश्यकता नहीं। स्वयं बीजेपी के अपने 10 विधायकों ने लिखे पत्र हाईकमान को भेजा कि मदन कौशिक जी ने 10 सीटों पे उनको हराने का काम किया, चाहे वो सुरेश राठौर जी हो, चाहे यशवंत जी हो, चाहे अन्य खटीमा की सीट हो, अन्य सारी बातें हम सबके सामने सार्वजनिक हैं। लेकिन हम बार बार ये करें, बीजेपी दायित्व बांटे, जिसको बांटे बीजेपी का अधिकार है। जिस प्रकार बीसी कहते हैं कि उनके यहाँ बूथ लेवल से लेकर तो हर कोई कार्यकर्ता सक्षम है, बिल्कुल निश्चित सक्षम है, क्योंकि आप देखिए इन लोगों की पैठ इतनी मजबूत है, ये इतने मजबूत हैं कि हाकम सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य रहा, उसने यूके ट्रिपल एससी की भर्ती को किस प्रकार से पेपर बेचकर और युवाओं की नौकरियों को बेचने का काम किया। इसी प्रकार बीजेपी का मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल यूके पीएससी की नौकरी को बेचने का काम कर रहा है। ये तो सारे लोग सक्षम है निश्चित रूप से, बूथ से लेके पन्ना से लेके और इनका जो राष्ट्रीय केंद्र के नेतृत्व तक है, हर कोई नौकरियां बेचने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और महंगाई जो उत्तराखंड में बढ़ाने के लिए, आम लोगों को परेशान करने के लिए हर प्रकार से सक्षम है। साल की आपकी सरकार है सर, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आप 6 साल से राज्य कर रहे हैं। अरे अगर कितने भ्रष्टाचार के आप जेल में डालते हैं या किसी अन्य दल खाली चाहिए, नकल विरोधी कानून लाते हैं, आप भ्रष्टाचार नकल विरोधी कानून लगाते हैं, लोग पटवारी भर्ती ठीक है। वीरेंद्र जी, आप कहते हैं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी लाइन पर काम करता है, लेकिन जिस तरीके से नकल विरोधी कानून धामी गवर्नमेंट लेकर के आई और उसके बाद हर एक मंडल, हर एक जिले में जाकर के वो नकल विरोधी कानून के लिए धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, हस्ताक्षर यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं ताकि इस नकल विरोधी कानून की प्रशंसा हो सके, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं क्षेत्रों में त्रिवेंद्र सिंह रावत जाते हैं और माफी मांगते हैं लोग उससे, वो जाते हैं और धामी जी के विरोध में बयान देते हैं, उनको कैसे आप होल्ड कीजिएगा? क्योंकि जो व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री किसी समय पर रहा है उसका कुछ तो वर्चस्व होगा, आपको डैमेज नहीं होगा इस बात का, आपको डर नहीं लगता है? पार्टी का क्या होल्ड नहीं रहा अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर? देखिए, पार्टी का पूरा होल्ड है, उनका उनका जो बयान है किस संज्ञान में था, किस संदर्भ में था, वो उसका जवाब स्वयं दिया होगा उन्होंने जवाब जो है, लेकिन पार्टी इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है और वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उन्होंने जो भी कहा होगा किसी संदर्भ में कहा होगा। लेकिन जहां तक प्रश्न है कि हमारी नियत, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो काम करने का तरीका है उसकी सराहना पूरी देश कर रहा है, हमने राज्य में जो कुछ भी काम किए हैं उसका अनुसरण अन्य राज्य भी कर रहे हैं, हमने नकल विरोधी जो हम कानून लेके आए हैं देश में पहला ऐसा कानून है, हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए हैं देश में पहला ऐसा सशक्त और मजबूत कानून है, हम नागरिक समान नागरिक संहिता का कानून लेके आए हैं देश में सबसे पहला और सबसे मजबूत कानून है, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं देश के अन्य राज्यों के लिए अनुसरण भी हो रहा है,
और देश के अन्य राज्य भी हमारे। लेकिन वीरेंद्र जी, अभी आपके नकल विरोधी कानून की चर्चा अन्य राज्यों में हो रही है, उसका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं का अनुसरण अन्य राज्यों में भी करने लगे, तो उनको भी दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आपने 200 लोगों की लिस्ट प्रिपेयर करी। देखिए, दो विषय है वीरेंद्र जी, दो विषय, देखिए उसको समझिए। पहला, 200 लोगों की आपने लिस्ट तैयार करी, अब उन संभावित लोगों की लिस्ट तैयार हुई है, हो सकता है उनको पता हो या ना पता हो, 30 लोगों का नाम शामिल किया जाएगा, 170 लोग प्रभावी लोग और बचेंगे उनमें से, जितनों को आप जगह नहीं दे पाएंगे, एक तो उनकी नाराजगी, दूसरी तरफ आप उन तमाम लोगों को साइडलाइन करने का ऐलान पहले ही खुले में कर चुके हैं कि जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि करी है हम उनको जो है दायित्व नहीं सौंपेंगे। आप इतना तो मानेंगे ना कि जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि करी उनकी वजह से आप इन तमाम सीटों को हारे हैं, फिर चाहे वो हरिद्वार ग्रामीण हो, लक्सर हो, यमुनोत्री हो, खटीमा हो, जिसमें मुख्यमंत्री की सीट भी शामिल थी, आप हारे हैं, उनका वर्चस्व तो था ना, क्या आगे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैंने कहा ना, कार्यकर्ताओं का चयन करना पार्टी का विशेषाधिकार है। पार्टी हमारे यहाँ जो भी निर्णय करती है सब लोग बैठकर तय करते हैं, और पार्टी जो भी निर्णय करेगी, चाहे 10 लोगों के पक्ष में निर्णय करे, चाहे 30 लोगों को, चाहे 50 लोगों के विषय निर्णय करे, ये पार्टी का निर्णय, कोई उसको चैलेंज भी नहीं करता है, कोई उस निर्णय के खिलाफ भी नहीं बोलता है। पार्टी को मालूम है, हर कार्यकर्ता को मालूम है कि पार्टी हमारे भविष्य के बारे में विचार करेगी, तय करेगी कि हमारी भूमिका क्या रहने वाली है, हमको कहाँ बैठाने वाली है पार्टी, हमारे लिए क्या दायित्व देने वाली। तो यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ता है, धैर्य और संयम वाले कार्यकर्ता है, यहाँ कांग्रेस की तरह कोई हलचल नहीं होती, कांग्रेस की तरह कोई पार्टी दल छोड़ के नहीं जाते हैं, कांग्रेस की तरह कोई नेता के खिलाफ बोलता नहीं है, यहाँ जो भी होगा पार्टी के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, राजेंद्र जी के पास में जाऊंगी। राजेंद्र जी, आपने ये पूरी चर्चा सुनी, आपने राजेंद्र जी पूरी चर्चा, चमोली जी, अब मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। राजेंद्र जी, आपने ये पूरी चर्चा सुनी, और मेरा सवाल सीधे तौर पर यही है, और इस प्रश्न पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा दिशा दीजिए तमाम दर्शकों को और बीजेपी को भी, कि किस तरीके से वो आखिरकार अपने उन तमाम वरिष्ठों को, क्योंकि मैं वरिष्ठों का जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूँ, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक जैसे धुरंधर हैं जिनको बीजेपी को झेलना पड़ेगा, उनके बागीपन को झेलना पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान, आगामी और भी चुनावों के दौरान उनको झेलना पड़ेगा, गतिविधियों के दौरान झेलना पड़ेगा उनके बागीपन को, कार्यकर्ता कहीं ऐसा ना हो बीजेपी का कि दो धड़े में बढ़ जाए और उसका लॉस हो बीजेपी को। आप पूरे उत्तराखंड की बीजेपी के अगर संगठन की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है इस बार कि 2024 के जो है लोकसभा के चुनाव सर पे खड़े हैं, इस बार दोबारा जो है पुष्कर सिंह धामी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, और आप समझ लो कुछ ऐसे नेता थे जिनको साइडलाइन किया गया, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत भी है और मदन कौशिक भी है, उनके अपने कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसके वजह से बीजेपी ने उनको साइडलाइन किया। और अगर आप ये समझे कि दोनों कद्दावर नेता हैं, के फॉलोअर्स काफी सारे लोग हैं, और मदन कौशिक का अगर आप ये देखेंगे कि हरिद्वार में काफी जो है उनके फॉलोअर्स हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत के भी एक पर्टिकुलर एक टाइप के लोग उनके फॉलोअर्स हैं, तो इस तरह ऐसा नहीं है कि दोनों नेता जो है उनका प्रभाव नहीं है, दोनों नेताओं का प्रभाव है। लेकिन ये जो बातें उठ के आ रही हैं, इसके दो तीन कारण है। पहला कारण ये है कि देखिए आप, दो टर्म्स जो हैं बीजेपी जो है काम कर चुकी है, 2014 2019 में रह चुकी है, 2024 में अब वो चुनाव में जाएगी, तो उसको क्या है कि कुछ नई नई चीजें, कुछ नए जो है कैंडिडेट, नए फेस लाने पड़ेंगे, बिकॉज एंटी इनकमबेंसी फैक्टर बहुत काम करेगा उत्तराखंड में। मुझे जो लगता है कि करीबन करीबन 5 में से 4 चेहरे तो बदले जाएंगे ही इस बार, और इस तरह से काम होगा। लेकिन अभी क्या है कि मदन कौशिक अध्यक्ष बनने के बाद उनको हटाया गया, और उधर भट्ट जी को लाया गया, इधर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है पुष्कर सिंह धामी हारने के बावजूद दोबारा चुनाव लड़ा के दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अगर आप सब कुछ देखें, जो दो तीन दिनों से जो है मीडिया में बातें आ रही हैं कि माननीय जो दुष्यंत जी हैं वो लिस्ट लेके गए हैं, और धामी जी ने जो वक्तव्य दिया उससे क्लियर है कि वो जो है उनकी कंसेंट, मतलब आप समझ लो हाईकमान की और साथ में पुष्कर सिंह धामी की कंसेंट उसमें 30 लोग की है। तो इसका मतलब जो 30 लोग हैं वो ज्यादातर पुष्कर सिंह धामी के साइड के हैं,
और त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुछ ना कुछ जो है किनारे उनको दिया जाएगा, प्रभारी कहीं बनाया जाएगा या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में या मदन कौशिक को कुछ और दिया जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है तो वो सिर्फ 2024 को देखते हो रही है और अपने वर्चस्व को देखते हो रही है। बट अभी आने वाला जो टाइम है बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, और ऐसा नहीं कि बीजेपी के अंदर बहुत सारा घमासान होगा। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा मजबूत होती उत्तराखंड में तो ये बहुत सारा जो है बवाल शुरू हो जाता, लेकिन क्योंकि उधर भी दूसरा जो विपक्ष है बहुत स्ट्रांग नहीं है तो बीजेपी किसी तरह से अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता अगर आप मंडल लेवल पे देखें, ब्लॉक लेवल पे देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, हाँ वो उनमें बहुत सारी बातें हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15-20 सालों से बीजेपी में काम कर रहे हैं, उनको दायित्व नहीं दें और हर बार वो तो ये आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ अंदर ये सबगाट शुरू हुई है और ये इसका इम्पैक्ट आपको देखिए कि आने वाले चुनाव पे जरूर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ में वीरेंद्र बिष्ट जी जुड़े, बहुत शुक्रिया राजेश चमोली जुड़े। आपने चर्चा को सुना और समझा कि किस तरीके से बीजेपी तैयारी तो जरूर 2024 में क्लीन स्वीप की कर रही है, लेकिन क्लीन स्वीप कैसे हो पाएगा ये अपने आप में बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि जैसा कि राजेंद्र बिष्ट जी ने बताया है कि चार चेहरे डेफिनेटली चेंज होने वाले हैं। हो सकता है कि वो 3 संख्या हो या 2 संख्या हो, लेकिन बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि असंतुष्टों को संतुष्ट किया कैसे जाए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।